विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की कहां पर आपकी आदत आपको दुख में ले जाती है, आपकी ही आदत, और उस आदत से हमें मुक्त होना है ताकि हम आगे इम्पर्सनल जीवन जिए, निस्वार्थ जीवन जिए। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है, आपकी कृपा से यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं उन डीएस से, यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें, वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है, स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें, बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं।
ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाए। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाए, हैप्पी हैट में रह पाए। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास, सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं। ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता, ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें, किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा
लग रहा है, यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती संतुष्टि पानी है, यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तपर्पण करेंगे, सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कहां पर आपकी आदत आपको दुख में ले जाती है, आपकी ही आदत, और उस आदत से हमें मुक्त होना है ताकि हम आगे इम्पर्सनल जीवन जिए, निस्वार्थ जीवन जिए, आनंदित जीवन जिए, प्रेम आनंद मौन के साथ जिए। आप कौन थे और क्या मानकर जीने लग गए, व्यक्ति बनकर अहंकार में, मैं दूसरों से अलग और श्रेष्ठ, ये अहंकार है, मैं दूसरों से अलग, क्योंकि चारों तरफ इतने लोग दिखते हैं, सभी अलग अलग दिखते हैं, ये अलग है, ये अलग है, जैसे कागज पर लिखे हुए शब्द, सभी शब्द एक दूसरे को कैसे देखेंगे, ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है, मगर उनके पीछे कागज कौन सा है, उनके पीछे जो कागज है जिसकी बदौलत वे उपस्थित हैं, सोचो कागज नहीं होता तो कौन सा शब्द टिक पाता, सभी शब्द विलीन हो जाते। तो समझ में आएगा कागज की वजह से हमें ये संसार दिख रहा है और लग रहा है सब अलग अलग हैं, मगर हकीकत में एक ही है। तो ये जो फीलिंग आती है अलग अलग होने की, ये अहंकार है, इसका पैदा होना जरूरी है, मरना भी जरूरी है। पैदा क्यों होना जरूरी है, क्योंकि एक बच्चा है, छोटा है, उसको खुद को सुरक्षित करना है, बाहर संसार में जाएगा, लोगों के बीच जाएगा, तो वो खुद को बचाए, अपनी सुरक्षा करे, कोई उसको धक्का दे तो वो गुस्सा करे, ताकि उसको कोई भी चोट ना पहुंचाए, ये जरूरी है। इस वजह से कुदरत ने ये अहंकार दिया है। बच्चा बड़ा हो जाता है, अब अहंकार की जरूरत नहीं है, मगर आदत पड़ गई है, अब ये आदत छूटनी भी चाहिए। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। बच्चों को मान्यताएं दी जाती हैं ताकि वो सुरक्षा में रहे, मगर बड़े होकर वापस कोई मान्यता लेता नहीं है। कर्मकांड दिए जाते हैं मगर वापस लिए नहीं जाते, लोग फिर जिंदगी भर कर्मकांडों में रहते हैं, डरों में रहते हैं, मगर एक समय के बाद वे कर्मकांड वापस लिए जाने चाहिए। बच्चे को सुरक्षा देने के लिए जरूरी था उसको बताना, उसको डराना, ऐसा करोगे तो ये होगा, वैसा करोगे तो वो होगा, रात को बाहर जाओगे तो ऐसा होगा,
तो उस डर की वजह से वो अंधेरे से दूर रहेगा, मगर बड़े होने के बाद भी अगर वो डर कर जी रहा है तो पेरेंट्स को वो डर निकालना भी आना चाहिए। तो आप भी अहंकार का उपयोग कर चुके हैं, मगर समय आने के बाद प्रश्न पूछना चाहिए, क्या अब इसकी आवश्यकता है? अगर इसकी आवश्यकता खत्म हुई है तो इसे बाय बाय करना जरूरी है, इसका मरना जरूरी है। इसी के मरने को या इसी के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने को मोक्ष कहा गया है, और ये जीते जी मिलना चाहिए। मोक्ष की धारणा क्या है? मरने के बाद मोक्ष मिलता है, जीते जी मुक्ति संभव है ये लोग समझ ही नहीं पाते। सदेह मुक्ति जिसको कहा गया है, सदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति, यानी कि कुछ लोगों को मरते वक्त रियलाइजेशन होती है, जब मर रहे होते हैं ना तब रियलाइजेशन होती है कि मैं शरीर नहीं था, मैं खुद को शरीर मान रहा था, तो ना से तो बेटर है, मरते वक्त तो उसको पता चले। मगर उस वक्त भी क्या होता है, लोग जब मर रहे हैं तो मैं मर रहा हूं इसी विचार के साथ मरते हैं, मैं मर रहा हूं, उधर भी मुक्ति नहीं है, उधर भी यही विचार है, मैं मर रहा हूं अभी, मेरे इसका क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा, तो वहां भी मुक्ति नहीं मिली। तो उसको कहा गया विदेह मुक्ति, शरीर से विदा लेते वक्त सच्चाई सामने आई। सदेह मुक्ति यानी देह आपकी अभी भी चल रही है, अभी भी जो उसकी उम्र है 40-50 साल वो जिएगी, मगर मुक्ति की अवस्था में। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।